पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को यहां की एक विशेष अदालत ने संविधान बदलने के लिए देशद्रोह के मामले में मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। वह पहले ऐसे सैन्य शासक है जिन्हें देश के अब तक के इतिहास में मौत की सजा सुनाई गई है। जिस स्पेशल अदालत ने मुशर्रफ को मौत की सजा दी है उसने करीब 167 पन्नों में विस्तार से अपना फैसला लिखा है। एनएनआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फैसले में यह भी लिखा गया है कि अगर परवेज मुशर्रफ की मौत उनकी सजा से पहले हो जाती है तो घसीटते हुए उनकी लाश को इस्लामाबाद के डी चौक पर 3 दिन के लिए लटकाया जाएगा। पाकिस्तान के एक अखबार में इस फैसले में लिखा गया है कि उस समय के कोर कमांडर कमेटी जिसमें सभी वर्दीधारी अधिकारी और हर समय हर जगह मुशर्रफ की रखवाली करने वाले भी पूरी तरह से मुशर्रफ के कार्यों में लिप्त हैं। फैसले में कहा गया है कि आरोपों के मुताबिक उन्हें दोषी पाया गया है, दोषी को इसके लिए सजाए मौत सुनाई गई है। फैसले में कहा गया है कि मुशर्रफ जितने मामलों में दोषी है उन्हें आखिरी सांस तक उतनी बार फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। फैसले के अनुसार हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश देते हैं कि दोषी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाए और सुनिश्चित करें कि कानून के हिसाब से सजा दी जाए। अगर वह मृत मिलते हैं तो उनकी लाश को इस्लामाबाद के डी चौक तक खींच कर लाया जाए तथा 3 दिन तक लटकाया जाए। वहीं बीमार चल रहे पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने कहा कि देशद्रोह मामले में एक अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई मौत की सजा निजी प्रतिशोध पर आधारित है। हालांकि इस फैसले का पाकिस्तान के शक्तिशाली सेना विरोध किया गया है। मुशर्रफ ने कहा कि बात रखने का मौका नहीं मिला। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद मुशर्रफ के समर्थकों ने देश के विभिन्न हिस्सों में उनके समर्थन में छोटी रैलियां निकाली। मुशर्रफ पर संविधान को निष्प्रभावी बनाने और पाकिस्तान में नवंबर 2007 में संविधानेतर आपातकाल लगाने का आरोप था। यह मामला 2013 से लंबित था। वहीं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सजा दिलाने के लिए केस लड़ने वाले पाकिस्तान के एक वकील को सुबह उनके घर पर बंधक बना लिया गया। कहा जा रहा है कि वकील अकरम शेख और उनके परिवार वालों को उनके फार्म हाउस पर करीब 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद ये सब वकील को धमकी देकर फरार हो गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये घटना शनिवार सुबह की है। कहा जा रहा है कि बंदूक की नोक पर पहले परिवार वालों के मोबाइल फोन छीन लिए गए और फिर इन सबको एक घर में बंद कर दिया गया। इसके बाद घर के सामान लूट लिया गया। जाने से पहले अपराधियों ने धमकी देते हुए वकील को कहा, बाज ना आया तो फिर आएंगे। बता दें कि अकरम शेख को उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस लड़ने के लिए सरकारी वकील नियुक्त किया था। वो 2018 तक इस केस को लड़ते रहे। इमरान खान के सत्ता में आने के बाद वो हट गए थे। 2 दिन पहले ही एक विशेष अदालत ने संविधान बदलने के लिए देशद्रोह के मामले में मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई है। वो पहले ऐसे सैन्य शासक है जिन्हें देश के अब तक के इतिहास में मौत की सजा सुनाई गई। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। साथ ही वकील अकरम शेख ने अभी तक पुलिस के सामने अपना कोई बयान दर्ज नहीं करवाया। शुरू से खराब है और अभी भी यही हालत है। सुबह मुझे डिजीनेस हुई और मैं ब्लैकआउट हो गया। मुझे फिर उठाकर यहाँ ले आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि कैसे मैं उसके बाद क्या हुआ है। ये केस मेरी नज़र में बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैं तो गद्दारी छोड़े मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दिए हैं। इस केस में मुझे सुनाई नहीं दे रहे, सुनवाई मेरी नहीं हो रही है। सिर्फ ये नहीं है कि मुझे मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा जो लॉयर है सलमान सफ्तर उस तक को सुन नहीं रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये बहुत ज्यादती हो रही है, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है। अब कमीशन कहते हैं कि आज तैयार बनी है, वो कमीशन बेशक जहाँ तक मेरा ताल्लुक है वो बेशक इधर आए और मैं उनको स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ। वो आए, मुझे सुने और खुद देखे मेरी तबीयत कैसी है, उसके बाद फैसला करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।